एक ऐसा सवाल जिसके बारे में हम सब एक दूसरे से पूछते रहते हैं पर इसका आंसर शायद ही हम में से कोई जानता होगा, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम एज अ स्टूडेंट जब हम पढ़ाई कर रहे हों, कॉलेज में हों, कुछ ऐसे वेज जिसके थ्रू वी कैन अर्न व्हाइल वी आर स्टिल इन कॉलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है उन लोगों के लिए जो अभी भी कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं, किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं इंडिया में या इवन इन एनी ऑफ द कंट्रीज। सो जो पहला मीडियम है जिसके थ्रू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अर्न, ठीक है, उनमें से जो है वो है इंटर्नशिप का एक मीडियम। यस, सो पीपल डू अ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप, ठीक, जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, इन व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स दे वांट टू गो। अब उसमें जाने के लिए दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वो डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, और अगर वो करते समय उन्हें पैसे मिले, नथिंग बीट्स दैट। यस, तो आपको इंटर्नशिप कहां से मिलेंगी, आप मेरा एक वीडियो इसके ऊपर देख सकते हैं, हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। अन्यथा मैं आपको फिर से एक शॉर्टकट में बताऊं, एक ऐसी वेबसाइट है इंटर्नशाला जहां पर आप जाकर इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं, या इनफैक्ट लिंक्डइन पे भी एक ऑप्शन है आपके पास जहां पर आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं। इन इंटर्नशिप के माध्यम से थ्रू दिस मीडियम किड्स हैव अर्नड रेंजिंग फ्रॉम 5,000 to 50,000 डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, किस प्रोग्राम में आप इनरोल्ड हैं, किस कॉलेज में आप इनरोल्ड हैं, और वहां की इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट कमेटी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो शायद थिंग्स आपके लिए कुछ और बेटर हो जाए। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो क्योंकि आप एकेडमिक फील्ड में हैं, आप अभी कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है अपने सब्जेक्ट के बारे में, आप उसके बारे में जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पढ़ा भी सकते हैं। सो वो भी एक अच्छा तरीका है। यू स्टार्ट टीचिंग इन कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन लेने लगे आप, और वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव तरीका है दोस्तों। आप उसके थ्रू वो लॉट ऑफ किड्स हैव अर्न मनी जिससे उन्होंने अपनी एजुकेशन को फंड किया है, और आगे के जो आने वाले कोर्सेज हैं वो जो करना चाहते हैं उसको भी फंड किया है। सो ये भी एक बहुत अच्छा जरिया है। नथिंग बीट्स टीचिंग। आप टीचिंग के थ्रू खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, और अगर उसके लिए पैसा मिल जाए, नथिंग बीट्स दैट। अगर हम तीसरे तरीके की ऊपर बात करने की बात के ऊपर आए तो एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग का मतलब यह है कि आप इंडस्ट्री से एक ओवरऑल एनवायरनमेंट जो कि कॉर्पोरेट का एनवायरनमेंट है, जो सेटअप है, उससे आप कुछ काम लें एज अ फ्रीलांसर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, एक प्रोजेक्ट बेसिस पे आप इस पे भी काम कर सकते हैं। फॉर द मैटर बहुत सारी कंपनीज को, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी कंपनीज को अपने यहाँ कुछ भी पोस्टर या चाहिए होते हैं, या प्रोजेक्ट बेसिस पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वहाँ पे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी कंपनीज को अपने डॉक्यूमेंट आप लीगल रिसर्च करवानी हो सकती है तो आप उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, एज अ पैरालीगल आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, वो एक तरीका है। तो ऐसे फ्रीलांसिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में। आप कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं कि आप डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट वर्टिकल्स। करवाऊंगा आपको, पहला तरीका था इंटर्नशिप के थ्रू, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि आप ट्यूशन ले सकते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हैं, फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया फ्रीलांसिंग का तरीका। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अगर आप समझते हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। सो इन द थ्रू आउट द कंट्री व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग तो मेरे को एक आइडिया लगा कि बहुत सारे कॉलेज के ऐसे बच्चे हैं जो अपने इवनिंग टाइम पे, शाम के समय पे कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज में तो फॉरेन कंट्रीज में इसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। हमारी कंट्रीज में स्टिल एक इसका परसेप्शन क्रिएटेड है कि आखिर ये काम क्यों कर रहा है, बट दैट गोज इन एन हैंड, ठीक है। आप कुछ भी ऐसा ब्रेव करने की कोशिश करेंगे, देयर विल बी सम क्वेश्चन मार्क ऑन दैट फ्रंट हियर, सो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। इफ यू वॉन्ट टू अर्न, आप वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में भी कर सकते हैं या किसी और एरिया या वर्टिकल में भी जाकर कर सकते हैं। आई हैव नोन किड्स हु हैव ओपन देयर ओन फूड जॉइंट्स एंड आर अर्निंग प्रीटी वेल। सम पीपल हु गॉट इनटू पब्लिशिंग सेक्टर, वो भी अच्छा कमा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो किसी और दुकानों में जाकर उनकी हेल्प कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। सो दिस इज द फोर्थ वर्टिकल जिसके थ्रू आप कमा सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप पे चले जाते हैं,
एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यह है कि दे स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग ऑफ देयर ओन और उसे वो मार्केट करना चालू कर देते हैं। और ये भी एक बहुत ही अच्छा ल्यूक्रेटिव सेंटर है। आजकल अगर आप शार्क टैंक इंडिया देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा बहुत ही यंग किड्स फ्रॉम द एज रेंज ऑफ 17 to 25 की रेंज, और मोस्ट ऑफ देम कॉलेज में हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं या वो अपने लास्ट ईयर ऑफ प्रोग्राम में हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में नई नई चीज़ों को स्थापित किया है। देव इस्टैब्लिश्ड न्यू थिंग्स इन देयर ओन सेक्टर्स, सो नथिंग बीट्स दैट। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो पार्ट टाइम में अपना एक पूरा एक सेटअप कर रहा है ऑन फोटोग्राफी। यस, सो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कि एंटरप्रेन्योरशिप के वेंचर में आप फोटोग्राफी जा रहे हैं, नाउ ही इज इंप्लॉइंग अदर पीपल, कि उसका काम इतना बढ़ गया कि नाउ ही इज आस्किंग अदर पीपल टू हेल्प एंड असिस्ट हिम। यस, सो ये एक अलग वर्टिकल हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। यू आई विल नॉट गिव यू एन एग्जांपल कि कहां कौन से कॉलेज के किस बच्चे ने क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर किया, बिकॉज उस कॉलेज के अलुमनाई डिपार्टमेंट ने उसके बारे में आपको बता दिया है अभी तक, या इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने आपको बता दिया है अभी तक। सो ये वो कुछ 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप इंडिया में अभी अर्न कर सकते हैं। यस, एंड जिस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ रही है, थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर पीपल हु वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट, एंड कॉन्टेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। यस, सो फ्रेंड्स ये वो 5 तरीके हैं। अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पैसा कमाना है, यस, और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें जिससे आप आगे वाले प्रोग्राम में अपनी स्टडीज को फंड कर पाएं, इनमें से 5 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। आप इनमें से 1 या 2 या सारे तरीके अपना सकते हैं, और मेरी तरफ से आपको रहेगा बेस्ट विशेस।